एवरीवन, दिस इज सुमन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चल रही है टेंसेस की सीरीज और आज हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब भी बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं ऐसे काम की जो पास में ही शुरू हो गया था और अब तक कंटिन्यू है। कोई ऐसा काम जो कि पहले ही शुरू हो गया है लेकिन प्रेजेंट तक चल रहा है, तो वो एग्जांपल हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। अगर मैं बोलूँ मैं सुबह 6 बजे से किचन में काम कर रही हूँ, या बोलूँ पिछले 3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, क्योंकि हमने बात करी है ऐसे काम की जो पास में ही शुरू हो गया था। मैं 6 बजे से किचन में काम करना शुरू किया और अब तक कर रही हूँ, या 3 दिन पहले बारिश शुरू हुई थी होना और अब तक हो रही है, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझने से पहले हमें एक डिफरेंस और समझना है, जो कि है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वो सारे सेंटेंसेस जिनके पीछे रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ आता है, तो वो एग्जांपल हो जाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। लेकिन इन सेंटेंसेस में भी तो रहा हूँ, रहे हूँ आ रहा है। मैं सुबह 6 बजे से काम कर रही हूँ, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, तो लेकिन ये हमने सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्यों बनाए? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो हमें साथ में दिया होता है टाइम। मैं सुबह 6 बजे से किचन में काम कर रही हूँ, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, दोनों ही सेंटेंसेस में दिया हुआ है टाइम, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने के लिए समझना होगा स्ट्रक्चर और कुछ रूल। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी होती है। पहला है उसे पहचानना कि कौन से टेंस की बात हो रही है, दूसरा उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस फ्रेम करना। तो अब हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं। तो समझना होगा हमें स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, सब्जेक्ट, साथ में हैज, हैव, साथ में बीन, उसके बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लगता है ऑब्जेक्ट, और साथ में हमारा आता है फॉर और सिंस अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि फॉर और सिंस का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है। सिंस का यूज हमेशा किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि सर्टेन टाइम हमें पता है कि ये इतने बजे हुआ, ये इस साल हुआ, या ये मंडे हुआ, ट्यूजडे हुआ, वो हमें पता है, तो वहाँ पर हम यूज कर देंगे सिंस। अगर मैं बोलूँ मैं सुबह 7 बजे से किचन में काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सिंस, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है सुबह 7 बजे से। या बोला जाए मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, सिंस यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे हमें पता है कल की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी हमारा लग जाएगा सिंस। मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिंस, क्योंकि हमें ईयर पता है, पर्टिकुलर टाइम पता है। और अगर बोला जाए मैं मंडे से स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो हमें पता है कि मंडे, इसी मंडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सिंस। फॉर का यूज़ होता है सारे ऐसे जगहों पे जहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन पता हो, पॉइंट ऑफ टाइम ना पता हो, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉर। एग्जाम्पल के लिए पिछले 5 सालों से हम इस घर में रह रहे हैं। अब 5 सालों से हमें पता है, 5 सालों से रह रहे हैं, लेकिन वो कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था, ये हमें नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर। अगर मैं बोलूँ पिछले 10 सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, तो यहाँ पे भी हमें टाइम नहीं पता है, पता नहीं कौन से 10 साल है, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, तो इसलिए वहाँ पे भी हम लगा देंगे फॉर। या फिर मैं बोलूँ बहुत सालों से मैं सिटी में ही रह रही हूँ, अब बहुत सालों में हो सकता है 15 साल, 10 साल, 11 साल, तो वहाँ पे हम यूज़ लगाए करेंगे फॉर। अगर मैं बोलूँ 1 घंटे से मैं यहाँ घूम रही हूँ, तो 1 घंटे से हो सकता है वो 7 बजे शुरू हुआ हो, 8 बजे शुरू हुआ हो, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, सिर्फ ड्यूरेशन पता है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर का, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर। अब एग्जाम्पल में आते हैं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मतलब
मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश सीख रही हूँ। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए, आई यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव हमें पता है कि आई या फिर प्लूरल्स के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं हैव, और जब भी बात होती है ही शी इट की या फिर किसी नाउन की, किसी नेम की या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैस। यहाँ पे आई है तो आएगा हैव। आई हैव बीन लर्निंग, लर्न के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंग्लिश, और साथ में लग जाएगा फॉर 5 ईयर्स। अब फॉर 5 ईयर्स इसलिए आया है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, हमें सिर्फ पता है कि 5 सालों से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर। तो सिंपल सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। इसी तरीके से वो 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही है, काम 2010 में शुरू हो गया था और अब तक कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अब शी हमें पता है सब्जेक्ट है, हैज़ लग गया क्योंकि पता है ही शी इट के साथ हमेशा हैज़ आता है। शी हैज़ बीन टीच के साथ हमने लगा दी वर्ब की आईएनजी फॉर्म टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। आप देखिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ करा क्योंकि हमें पता है पर्टिकुलर ईयर कि उसने कौन से साल से पढ़ाना शुरू किया, तो सेंटेंस बन जाएगा शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। फिर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से कॉल कर रही हूं, तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रही हो, तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज। यहाँ पे हमने देखा आई है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, बीन साथ में, कॉल के साथ हमने लगा दिया आईएनजी और उसके बाद यू, और साथ में हमने टाइम को मैंशन कर दिया फॉर मैनी ईयर्स। फॉर यहाँ पर इसलिए आया है कि पता नहीं कितने दिनों से, अगर हमें पता होता पर्टिकुलर डे से, मंडे से या इतने बजे से, तो हम यहाँ पे सिंस लगाते, लेकिन हमें पता नहीं है मैनी डेज, पता नहीं कितने दिनों से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मैनी डेज, व्हाई आर यू नॉट पिकिंग अप माई फोन। इसी तरीके से वी हैव बीन सर्चिंग द की सिंस मॉर्निंग, हम लोग मॉर्निंग से अपनी की ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे वी हमें पता है सब्जेक्ट है, साथ में आ गया हैव, बीन यहाँ पे लगेगा और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, साथ में लगेगा ऑब्जेक्ट द कीज और साथ में लग जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इस मॉर्निंग की बात हो रही है, हम सुबह से अपनी कीज को ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया सिंस। We have been searching keys since morning. एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको समझकर हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले टेंस को पहचान की जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात होती है तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है जब भी टाइम मेंशन होगा और साथ में रहा हूँ, रही हूँ, रहे होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। लेकिन अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस बना हुआ है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ से, तो वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो जब भी हमें इन्हें फ्रेम करना है स्ट्रक्चर हमारा एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। अगर हमें कुछ इस तरीके की बात करनी है कि पिछले 2 घंटे से वो खेल रहा है, पिछले 4 घंटे से वो किचन में काम कर रही है, पिछले 6 घंटों से वो मार्केट में घूम रहा है, या फिर बोला जाए पिछले 7 सालों से वो स्कूल में पढ़ा रहा है, या पिछले 6 सालों से वो उस कंपनी में काम कर रहा है, तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे समझेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017, मैं 2017 से इंग्लिश सीख रही हूँ या फिर कोई भी लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यही स्ट्रक्चर और बनाएंगे सेंटेंस कुछ इस तरीके से। आई हैव बीन, आपको पता है आई के साथ हमेशा हैव लगता है, आई हैव बीन और वर्ब की आ जाएगी आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017। यहाँ पे सिंस इसलिए लगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ईयर की। इसी तरीके से ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स,
वो इस कंपनी में 7 सालों से काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हमने हैज बीन लगाए क्योंकि हमें पता है ही शी इट के साथ हमेशा आता है हैज, और वर्ब के साथ हमने लगा दिया आईएनजी फॉर्म, और साथ में हमने लगाया है फॉर क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है, बस हमें ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पता है, इसलिए हमने फॉर लगा दिया। अगर बोला जाए यू हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 3 आवर्स, आप 3 घंटे से टीवी देख रही हो, तो यहाँ पे भी सेंटेंस सिंपली बन जाएगा हैव बीन से, और साथ में आ जाएगा फॉर क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने बजे टीवी खुला था, तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर क्योंकि हमें टाइम सर्टेन नहीं है। इसी तरीके से ही हैज़ बीन टॉकिंग ओवर फोन फॉर 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से फोन पे बात कर रही है। तभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम कर दिया। क्या तुम्हें पता है पिछले बहुत सालों से वो मनी सेव कर रहा है, ही हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर मेनी ईयर्स। तो ये सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। जब भी हम फ्रेम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरीके का, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, उसके बाद हम लगाते हैं बीन, फिर लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। और सिंस और फॉर तो वैसे ही चलते हैं जैसे कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। अगर समझा जाए एग्जांपल से, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिन से मॉर्निंग वॉक नहीं जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट है शी, हैज यहाँ पे लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमें पता है ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हैज, और साथ में लग गया नॉट क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की, और उसके बाद आता है हमारा बीन, फिर लगती है वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके का बन जाएगा, शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मॉर्निंग वॉक सिंस मंडे, या फिर शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मॉर्निंग वॉक फॉर मैनी डेज। इसी तरीके से अगर बोला जाए कि वो सुबह से कुछ नहीं बना रहे हैं, वो किचन में तो है लेकिन सुबह से वो कुछ नहीं बना रहे हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से अगर बोला जाए शी हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज, उसकी तबीयत खराब है, वो 2 दिन से खाना नहीं खा रही है, तो हम बोलेंगे शी हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 डेज। इसी तरीके से अगर बोला जाए I have not been attending English lectures since 18 December. मैं 18 December से अपने लेक्चर इंग्लिश के नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी I have not been attending my English lecture since 18 December. या फिर बोला जाए मैं पिछले 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रही हूँ, I have not been going to school for 5 days. इसी तरीके से अगर बोला जाए they have not been living in Delhi since 2018. Again हमने यहाँ पे सिंस लगाया क्योंकि हमें पता है हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ईयर की, तो यहाँ पे लग गया सिंस। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे फॉर लगाना होता तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना सकते थे दे हैव नॉट बीन लिविंग हेयर इन डेली फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत सालों से अब डेली में नहीं रह रहे हैं, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन डेली फॉर मैनी ईयर्स। तो ये सिंपल सेंटेंसेस है नेगेटिव सेंटेंस, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और सेंटेंस को फ्रेम करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस, वो सारे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और हमें ये भी पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को कर देते हैं सबसे आगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को, हैज हैव, साथ में आता है सब्जेक्ट, फिर लगेगा बीन, फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल से समझते हैं, क्या आप इस घर में 5 सालों से रह रहे हो, सेंटेंस बन जाएगा हैव, सबसे पहले हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है कि सब्जेक्ट यू है और यू के साथ लगता है हैव, हैव यू, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। फॉर यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें ड्यूरेशन पता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, क्या आप इस घर में 5 सालों से रह रहे हो, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है हैज इट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, क्या 3 घंटों से बारिश हो रही है, हैव इट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। या बोला जाए हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो मॉर्निंग से खेल रहे हैं,
हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? सिंस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि आज ही मॉर्निंग की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज करा सिंस। अगर मैं बोलूँ क्या वो सुबह से गेम खेल रही है, तो मैं बोलूँगी हैव शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से खेल रही है? इसी तरीके से हैज ही बीन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या वो आजकल सुबह उठ रहा है? हैव ही बीन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग दीज डेज? ओके, और अगर बोला जाए क्या आप आजकल इंग्लिश सीख रहे हो, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, या फिर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो ये सेंटेंस हो जाएंगे हमारे सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की हमने बात यहाँ पे कर ली, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हमें लगाना पड़ता है डब्ल्यू एच फैमिली। आप सभी को पता है डब्ल्यू एच फैमिली मतलब वो सारे वर्ड्स जो हमें बताएं कि जिनसे क्वेश्चन बन रहा है सेंटेंसेस में, क्योंकि ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हाँ या ना से आंसर दिया जा सकता है, तो ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ येस और नो में है, कहीं पे भी हमें अगर क्वेश्चन पूछना है और आंसर येस और नो में नहीं आता है तो वहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं डब्ल्यू एच फैमिली का। तो आइए समझते हैं हम डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करेंगे। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के, तो स्ट्रक्चर हो जाता है कुछ इस तरीके का, डब्ल्यू एच फैमिली हैज़ और हैव, साथ में लग जाता है सब्जेक्ट, फिर आता है बीन, फिर लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस को एग्जांपल से समझते हैं। हुम हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 months? आप 2 महीने से किसको पढ़ा रहे हो? तो यहाँ पे जो हुम है वो डब्ल्यू एच फैमिली को शो कर रहा है, उसके बाद हमने हैव लगा दिया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्ट यू की। तो हुम हैव यू बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 months? फिर हमने लगाया बीन, उसके बाद हमने लगाई है वो आपकी आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हमने बता दिया टाइम। सो हुम हैव यू बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 months? इसी तरीके से अगर बोला जाए कि आप 2 सालों से कहाँ पे काम कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी वेयर हैव यू बीन वर्किंग फॉर लास्ट 2 years? नॉर्मली अगर हम किसी मिलने के लिए गए हैं, हमने टाइम दिया हुआ है और हम थोड़ा देर में वहाँ पे पहुँचे, तो हम पहला क्वेश्चन यही करते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? आपको कितना देर हो गई मेरा वेट करते हुए। इसी तरीके से अगर बोला जाए हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन रेनिंग हियर, फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन रेनिंग हियर? यहाँ कितने दिनों से बारिश हो रही है, या फिर कितने टाइम से यहाँ बारिश हो रही है, तो बोलेंगे फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन रेनिंग हियर। ये सारे डब्ल्यू एच फैमिली के इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने फ्रेम किए। तो आप समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप सभी को पता है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया कितनी 2 वर्ड्स को मिलाकर हमने छोटा कर दिया है, तो वो हमारी बन जाएगी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्शन ही हैज़ बीन चेंज हो गया हीज बीन में। यहाँ पे हमने एच और ए को हटाकर एक एपोस्ट्रॉफी लगा दिया और चेंज कर दिया इस वर्ड में हीज बीन। इसी तरीके से शी हैज बीन को बोलेंगे हम शीज बीन, इट हैज बीन को बोला जाएगा इट्स बीन, दे हैव बीन देव बीन, वी हैव बीन वी हैव बीन, I have been, I've been, you have been, you have been। तो ये सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन हो गए। और अगर यहाँ पे हो he has not been, तो वो चेंज हो जाएगा he hasn't been, she has not been, she hasn't been, it has not been, it hasn't been, they have not been, they haven't been, we have not been, we haven't been, I have not been, I haven't been, you have not been, you haven't been। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी है इनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को भी समझना। तो आज हमने समझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे रूल्स, साथ ही में समझे स्ट्रक्चर और कैसे बनाए जाते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव और
इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। साथ ही में हमने ये भी समझा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे इसके स्ट्रक्चर्स और रूल्स। लेकिन आपको एक बात मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इस टेंस को यूज़ करना होगा। ये जो सारे आपने रूल्स और स्ट्रक्चर पढ़े हैं इसी के बेस में आपको अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंस फ्रेमिंग करनी होगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने का एक ही जरिया है कि आपको कन्वर्सेशन करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे, अपने घर वालों के सामने, और अगर आपको शर्म आती है किसी के सामने भी बोलने में तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने। मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मिरर में प्रैक्टिस करेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, और साथ ही में जो भी आप टेंसेस पढ़ते जा रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और जब भी आप कन्वर्सेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।